कहाँ है टीकधारी, कहाँ है टिक्काधारी, कहाँ है चंदनधारी लोग। जब गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है, हिंदुओं की महान परंपरा है वह गणेश चतुर्थी, और संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का सत्र बुलाया है। संसद का विशेष सत्र 18 से लेकर 22 सितंबर तक चलेगा। हम आपको बताते चले कि इसमें 5 बैठकें होंगी और ये संसद का सत्र उस वक्त बुलाया गया है जब हिंदुओं का पर्व गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के त्योहार के दिन ही केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। हम आपको बताते चले कि बिहार में जेडीयू केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, शिक्षक दरअसल ये आरोप इस वजह से लगाया जा रहा है मौजूदा समय में क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शिक्षा विभाग में हिंदू शिक्षकों की छुट्टी काट ली गई है। दरअसल छुट्टी 26 दिन की थी, लेकिन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस छुट्टी पर कैंची चलाकर 11 दिन की कर दी। इसको लेकर बिहार में खूब सियासत हुई, तो अब जेडीयू को पलटवार मिल गया है। जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करती नजर आई है और ये साफ कहती है कि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिंदू विरोधी कहती है, तो आखिर केंद्र की मोदी सरकार हिंदू विरोधी है या नहीं। गणेश चतुर्थी जो हिंदुओं का महापर्व है, हिंदुओं का पर्व माना जाता है, इस मौके पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या बीजेपी की सरकार हिंदू विरोधी है या नहीं। हम आपको बताते चलें कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये साफ कहा कि संसद का विशेष सत्र 18 से लेकर 22 सितंबर को बुलाया जा रहा है जब गणेश चतुर्थी होती है। इस मौके पर संसद के विशेष सत्र को बुलाना बीजेपी सरकार के तुष्टिकरण को दर्शाता है, बीजेपी सरकार हिंदू विरोधी है। हम आपको बताते चले कि नीरज आगे कहते हैं कि संसद के अपमान का ये कौन सा राजनीति का संस्कार बीजेपी को हो गया है। आजाद हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या फिर नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद चर्चा में है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 85A में ऐसा लिखा है कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कैबिनेट कमेटी करती है और 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए कि 9 विभागों के मंत्रियों की जो समिति है उसकी बैठक कब है। बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज समेत कई छठ की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। छुट्टियों में कटौती होने के बाद शिक्षकों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है। शिक्षक संघों से लेकर विपक्षी दल बीजेपी और एनडीए के दल इसका विरोध कर रहे हैं और बिहार की सरकार को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के काम की सराहना की है और कहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहीं अब जेडीयू ने गणेश चतुर्थी के दिन विशेष सत्र बुलाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिंदू विरोधी कहा जाता है, जेडीयू को हिंदू विरोधी सरकार कहा जा रहा है, तो वहीं पर जेडीयू ने यह सवाल खड़ा किया है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद में, वो गणेश चतुर्थी की समय बुलाया जा रहा है, तो आखिर क्या मोदी सरकार हिंदू विरोधी नहीं है। ये तमाम बातें जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते नजर आए। आप सुनिए कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, हिंदू विरोधी सरकार दिल्ली की नरेंद्र मोदी, गणेश चतुर्थी का दिन समय, कहां है टीकधारी, कहां है टिक्काधारी, कहां है चंदनधारी लोग। जब गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है, हिंदुओं की महान परंपरा है वह गणेश चतुर्थी, और संसद का विशेष सत्र बुला रहे। कौन है हिंदू विरोधी, कौन है हिंदू विरोधी? हिंदू पंचांग से अपराध की व्याख्या ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक पत्र निकाला,
कहा कि अमावस्या के समय ज्यादा अपराध होता, कहां कहां से ज्ञान ला रहा है। तो हम जानना चाहते हैं हे प्रचंड टिक्काधारी, कमंडलधारी, कुंडलधारी, गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि देश की संसद के अपमान का यह कौन सा राजनीति का संस्कार भारतीय जनता पार्टी को हो गया है? आजाद हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की बात चर्चा में है, और संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से ढक्कन है। क्या राजनीति के आप, क्या है आप? संसदीय कार्य मंत्री किस भूमिका में है? ट्वीट के माध्यम से संसद का विशेष सत्र की सूचना आप देश को देते हैं? संविधान का अनुच्छेद 85(1), मैं ये जानना चाहता हूं कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कमेटी, कैबिनेट कमेटी तय करती है, जिसमें माननीय अभिषेक झा जी ने कहा कि माननीय रक्षा, गृह, वित्त, कानून समेत 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंततः राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताइए कब बैठक हुई? 9 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो इंडिया दैट इज भारत कहता है, ये 9 विभागों के मंत्रियों की जो समिति है इसकी बैठक कब हुई, किस डेट को बैठक हुई, कब यह फैसला लिया गया, या देश की जनता को आप बताइए कि इस बैठक को ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।